लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से 19 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। सूची जारी होने के बाद कई समाजों का विरोध खुलकर सामने आया है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय प्रगतिशील बैरवा महासभा ने प्रतिनिधित्व नहीं देने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान बैरवा महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकृष्ण बैरवा और कांग्रेस नेता राजेंद्र बैरवा के नेतृत्व में करीब एक दर्जन लोग पीसीसी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बैरवा समाज की अनदेखी की जा रही है, जो कि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी धौलपुर करौली सीट पर पुनर्विचार कर बैरवा समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए, नहीं तो बैरवा समाज दूसरे दल के समर्थन का निर्णय भी ले सकता है। जो पार्लियामेंट की चार आरक्षित सीटें राजस्थान में, दो पश्चिमी राजस्थान में मेघवाल समाज को जाती हैं और इधर परिसीमन के बाद में एक सीट भरतपुर की जाटव को और धौलपुर करौली बैरवा को। अब की बार इन्होंने दोनों टिकटें जाटव कम्युनिटी को दी हैं, जबकि राजस्थान भर में 19 जिलों को रिप्रेजेंट करते हैं बैरवा। हर सीट पर आरक्षित सीट पर 22-23%, 24%, 25% और कम से कम 76 सीट पर 16% से अधिक बैरवा उत्तर भारत में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, इनके अंदर जो बैरवा है। और ये पार्लियामेंट का आम चुनाव है। मैं आग्रह करूँगा हमारे जो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी से, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब जो हमारे पीसीसी चीफ हैं, हम जनता के बीच में जब जाते हैं तो समाज के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने से पहले जवाब मांगते हैं कि हमारा तो कैंडिडेट नहीं, तो उस जवाब को हम दे नहीं सकते। तो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से मैं आग्रह करूंगा कि इस निर्णय को बदला जाए। बैरवा समाज में काफी इस बात को आक्रोश है, क्योंकि एक सीट हम ये सोच के चल रहे थे कि हमें एक सीट मिलेगी बैरवा को और एक जाटो समाज को मिलेगी। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करता, पर मैं बैरवा समाज की जो पीड़ा है, क्योंकि सुबह से मुझे फोन आ रहे हैं, रात से फोन आ रहे हैं कि अब डिक्लेयर होने वाली है, एक बैरवा को मिलेगी, एक जाटो समाज को मिलेगी। हम कांग्रेस के परंपरा के वोट हैं, जन्म से हम कांग्रेस को देते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि विचारों के कारण से बीजेपी में गए हों, पर अधिकांश लोग हमारे कांग्रेस के साथ रहे हैं। कांग्रेस का आला जो उच्च कमान है, उससे मेरा भी आग्रह यही है, जैसे राजेंद्र जी ने बताया कि एक सीट पर पुनर्विचार करें और करौली और धौलपुर है ये बैरवा समाज को देवें, ताकि कांग्रेस का भी भला हो और हमारे समाज का प्रतिनिधित्व। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।